बाबूलाल ने झामुमो पर साधा निशाना, मुझे भी गिरफ्तार करें, सरकारी तंत्र के दुरुपयोग का लगाया आरोप। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि हमें भी चुनाव प्रचार के दौरान कई बार एनडीए गठबंधन की जीत के साथ ही सरकार की उल्टी गिनती शुरू होने की बात कही है, अब इस बात पर सरकार हमें भी गिरफ्तार करे। बाबूलाल ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश पर देशद्रोह के मामले में दर्ज प्राथमिकी को हास्यास्पद बताया। मरांडी सोमवार को पत्रकारों से बात कर रहे थे, उन्होंने उपचुनाव के दौरान सरकारी तंत्र के दुरुपयोग का आरोप लगाया, कहा कि पुलिस प्रशासन के अधिकारी राजनीतिक दल के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, पदाधिकारियों को पैसे और वोट दोनों का टारगेट सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के मामलों में चुनाव आयोग को संज्ञान लेते हुए कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। बाबूलाल ने कहा कि झामुमो के लोग मुझ पर थाईलैंड जाने का आरोप लगा रहे हैं, एक बार आकर मेरा पासपोर्ट देख लें, पता चल जाएगा कि मैं वहां गया हूं या नहीं। वहीं एक बार फिर बाबूलाल ने विश्वास जताया कि उपचुनाव में दुमका और बेरमो दोनों ही सीटों पर एनडीए गठबंधन जीत दर्ज करेगा। इस मौके पर प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू भी उपस्थित थे।